दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि न्यू बैंक का जो एम पिन होता है उसको कैसे सेट करते हैं पेटीएम से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना एम पिन जो है सेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने किसी भी बैंक का, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि पेटीएम से किसी बैंक का एम पिन कैसे बनाया जाता है, कैसे सेट किया जाता है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी बैंक का एम पिन कैसे सेट करते हैं पेटीएम से। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले आप लोग अपना पेटीएम जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आप लोगों को होम स्क्रीन पर एड बैंक अकाउंट। यहाँ अगर नहीं मिलता है तो आप लोग लोगों पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को मिलता है, देख सकते हैं प्रोफाइल सेटिंग ये ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ मिल जाता है पेमेंट सेटिंग, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस ये लोडिंग होगी और यहाँ मिल जाता है आप लोगों को यूपीआई लिंक एंड बैंक अकाउंट, यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ मिल जाता है ऐड अनदर बैंक अकाउंट, तो आप लोग का अगर ऑलरेडी बैंक अकाउंट लिंक होगा तो यहाँ पे आएगा ऐड अनदर बैंक अकाउंट, नहीं लिंक होगा तो आप लोग को ऐड बैंक अकाउंट करने के लिए आएगा, तो आप लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना। तो यहाँ मिल जाता है ऐड अनदर बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और बाकी का आप लोग बाहर से जो है क्लिक करेंगे तो बाहर से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो क्लिक करूँगा और ऐड अनदर बैंक अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोगों का जो भी बैंक है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मेरा है एसबीआई का बैंक, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करूँगा और हमारा जो बैंक है ऑलरेडी लिंक है इसलिए अभी नहीं लगेगा। तो ये मैंने जो ऑलरेडी अपना बैंक अकाउंट लिंक करके रखा है, लेकिन गाइस बैंक अकाउंट लिंक करने से पहले आप लोग की एक कंडीशन है, आपका जो पेटीएम अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से बना है वो मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे यहाँ पे मिल रहा है सेट जो है पिन, तो सेट पिन पे आप लोग क्लिक कीजिए। अब ये बोल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड, तो आप लोग का जो डेबिट कार्ड होता है जो एटीएम कार्ड वो अपने हाथ में ले लीजिए। अब आप लोग अपने डेबिट कार्ड के जो 6 डिजिट है वो यहाँ पर डालेंगे और एक्सपायर डेट है वो आप लोग MMY यानी कि मंथ और ईयर डालेंगे और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो फटाफट से मैं सारी डिटेल्स कार्ड की डाल देते हैं। गाइज मैंने कार्ड की डिटेल डाल दी है, इसके बाद प्रोसेस पे आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आप लोग के जो है OTP बोल रहा है, तो आपका सिम कार्ड जिस बैंक में लिंक होगा उस नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी। तो OTP हमारी आ चुकी है और OTP ऑटोमेटिकली वेरीफाई भी हो चुकी है और इसके राइट पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे बोल रहा है सेट 6 डिजिट UPI पिन, तो आप लोग 6 डिजिट का जो UPI पिन है वो आप लोग यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो मैं अपना 6 डिजिट का UPI पिन सेट कर देता हूँ फटाफट से। दोस्तों मैंने एम पिन जो है सेट कर दिया 6 अंकों का और इसके बाद राइट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ये बोला कन्फर्म 6 डिजिट UPI पिन, तो आप लोग ने जो पहले डाला है एम पिन वो आप लोग फिर से डाल दीजिए। एम पिन डालने के बाद आप लोग राइट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे राइट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब ये बोला है प्लीज़ वेट, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे वेट कीजिए और आपका जो एम पिन है वो सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग अपना बैलेंस वगैरह जो भी है चेक करना चाहें चेक बैलेंस पे क्लिक करके आप लोग अपना जो एम पिन डाल के बैलेंस चेक कर सकते हैं। फटाफट से मैं एम पिन डाल के बैलेंस चेक करके आप लोग को दिखा देता हूँ और इसके बाद एम पिन डालने को राइट करूँगा और आप लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा जो बैलेंस है वो चेक यहाँ पे हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका बैलेंस चेक होने के बाद अब मैं यहाँ पे आप लोगों का जो वॉलेट है वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे आप लोगों को मैं 1 रुपया या 2 रुपया किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल जाता है टू मोबाइल नंबर, अगर आप लोग को किसी को बैलेंस मोबाइल नंबर से भेजना है तो टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, खुद के अकाउंट में भेजना है टू सेल्फी पे क्लिक करेंगे, अगर आप लोग किसी के बैंक में भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट के नंबर से आप लोग यहाँ पे पैसा भेज सकते हैं। तो मैं टू मोबाइल पे क्लिक करूँगा और मैं मोबाइल नंबर डाल के बैलेंस को मैं भेज देता हूँ। तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, प्रोसेस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये बोल रहा है यहाँ पे पे में आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना अमाउंट भेजना चाहते भेज सकते हैं, मैं 10 रुपये यहाँ पे भेज देता हूँ, पे में क्लिक करूँगा। इसके बाद एम पिन डालने के लिए आएगा, तो एम पिन आप लोग डाल दीजिए अपना और राइट कर दीजिए। गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है वो सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। ठीक है गाइस, तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोग अपना जो एक नया एम पिन है तो वो आप लोग कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपने पेटीएम से नया एम पिन सेट करने में कोई भी दिक्कत है परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।